हेलो हेलो हेलो, आज हमारा डे थ्री है और आज हमारी पूरे दिन में सिर्फ वॉक है। 7 से 8 पॉइंट हैं या 9 हैं, 10 या मेरा ख्याल है 11 हैं, 10 11 हैं या मुझे टोटल याद नहीं है, लेकिन हमारे पूरे ना इस प्लान में पूरे दिन में वॉक है। अभी 7 हुए हैं, 9 बजे उधर पहुंचेंगे। दिन के 9 से रात को 9 बजे तक लगातार वॉक है और आज का व्लॉग शुरू होता है यहाँ से। तो आज का व्लॉग यहाँ से शुरू होता है, ये हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन है। तो यहीं पर ही वॉक है, तकरीबन 8-9 घंटे की वॉक है, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, क्योंकि एक जगह और दूसरी जगह में 4 माइल्स के बाद 6 माइल्स इस तरह का डिस्टेंस है। लेकिन ये पहला एक रिवर है, इसका नाम है रिवर वाकहैम, शायद यही है, हाँ रिवर वाकहैम नाम है इसका। फर्स्ट डेस्टिनेशन होगी मुकम्मल, अब जाना है सेकंड डेस्टिनेशन पे और सेकंड डेस्टिनेशन शुरू होती है यहाँ से। हमारी सेकंड डेस्टिनेशन यहाँ से शुरू होती है, ये डार्टमूर नेशनल पार्क में हेटर रॉक्स, एक बहुत बड़ा पत्थर है ये। 5 मिनट से इसका चक्कर लगा रहे हैं, अभी मुश्किल से छाँव मिली है, लेकिन उधर पहले ही कोई बंदे बैठे हुए हैं, तो धूप बहुत तेज़ है, छाँव में बैठेंगे तो ये आप ड्रोन से चेक करें। अति अति राती उठ रोण मोए मित्रानो, अति अति राती उठ रोण मोए मित्रानो, माए सानू चैन ना पावे, माए नी माए। अखी जमलंगा तो अब ये जगह कवर होगी, आप जा रहे हैं हम अगली जगह और अगली जगह शुरू होती है यहाँ से। तो ये थी हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो काफ़ी ऊंचा पहाड़ चढ़ के आए हैं हम, एक बड़ी खूबसूरत लेक बनी हुई है। तो अभी आप इसके ड्रोन शॉट देखें, तो उसके बाद फिर हम अगली लोकेशन पे जाते हैं। आधा घंटा चलने के बाद इधर आके पता चला कि गूगल मैप गलत ले आया, वो जो जगह है वो ये जो पीछे छोटे छोटे दरख्त नज़र आ रहे हैं ना, ये एक जंगल है। ये इसकी मैं आपको एक दो तस्वीरें दिखा देता हूँ, ये वाली और असल जगह आज ये थी। लेकिन अभी गर्मी शदीद है और इधर चल के नहीं जाना, क्योंकि हम ये सारा रास्ता ना तय करके आए हैं बड़ी दूर से। तो अब हम जाएँगे फोर्थ जगह, वो खूबसूरत जगह। तो फोर जगह शुरू होती है यहाँ से, और अगली हमारी जो डेस्टिनेशन थी ये इधर एक नदी बह रही है और पीछे एक जंगल है, काफ़ी घना जंगल है, उसमें आप वो टिम्बर दरख्त लगे हुए हैं, देयार का सारा जंगल है और बड़ा खूबसूरत माहौल है इधर, हर तरफ आप देख सकते हैं, आवाम भी काफ़ी आई हुई है, काफ़ी मज़े के सीन है। इसके बाद एक और हमने एक जगह जाना है जहाँ से हम वापस चले आए थे ना गर्मी दे के,
लेकिन वो जगह सबसे बेस्ट थी। लेकिन अब फिर उसी जगह पे जाने की कोशिश करेंगे, शायद आहिस्ता 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 चल ही जाएँ। थोड़े से बादल नज़र आ रहे हैं, अगर सूरज के सामने एक भी बादल आ गया तो फिर हम पहुँच ही जाएँगे, क्योंकि मेन इस नेशनल पार्क आने का मकसद ही वो जगह थी जिधर से हम वापस चले गए थे। बात ये है कि जहाँ से हम मुड़े थे अब वहीं जा रहे हैं दोबारा, क्योंकि बिल्कुल भी दिल नहीं किया ये जगह छोड़ने का। वैसे आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जो दरख्त हैं, असली जगह ये नहीं, असली जगह ये वाली जहाँ से एक दफ़ा वापस चले गए और फिर दोबारा आ गए। ये है तो ज़्यादा इधर कुछ भी नहीं, सिर्फ दरख्त हैं, लेकिन ये जो माहौल है ना दरख्तों का, क्या बताऊँ मैं आपको, सारे पैसे इस माहौल के हैं। लेकिन यहाँ तक आने तक पूरी एक घंटे की लगातार हाइक थी, कार पार्क से ले गए इधर तक। मतलब ये पत्थर और दरख्त देखना इतना आसान नहीं है, लेकिन चलें पहुँच आए हैं आखिर। अब तो इसी इधर फोटोग्राफी करेंगे। हाँ जी, यकीन नहीं था कि इस वाले एरिया पे 3 दिन हो गए हैं इंग्लिश फूड खा के, और आज कहीं देसी फूड मिलेगा, लेकिन पास ही एक जगह थी, ज़्यादा ड्राइव भी नहीं करनी पड़ी और देसी फूड मिल गया। वैसे तो इंग्लिश फूड के लिए भी इतनी इतनी लंबी दो दो घंटे एक एक घंटा ड्राइव की है, लेकिन इधर रेस्टोरेंट पास ही था, काफ़ी 12 मिनट लगे हैं, इधर 13 मिनट लगे हैं, और फूड भी देसी मिला और मिला भी हलाल, और ईद वाले दिन रज के है तुम पे खाए। हाँ जी, ये वो जगह थी जिसको मैंने एंड के लिए बचा के रखा था, ये आज की आखिरी जगह है। मुझे ये सारे डार्टमूर पार्क में से ना सबसे बेस्ट जगह ये लगी है, सबसे ज़्यादा ये जगह पसंद आई है। तो इधर वैसे भी अभी शाम होने वाली है, और बस ना आप एक सेकंड ये मेरे पीछे जाके ना सिर्फ व्यूज़ चेक करें, सारे पैसे ना इस व्यू के हैं। तो मैं भी आपको आखिरी के ड्रोन चार्ज दिखाता हूँ, क्योंकि आखिरी ड्रोन की बैटरी बचा के रखी थी इस जगह के लिए। तो ड्रोन चार्ज देखें, माई माई मेरी गीता दिल ना बच्चों।
Come on.